Welcome to an Artist for an Artist podcast. Thanks, so today's guest is the most famous vector artist, Sahil Illustrates. Welcome, Sahil Illustrates, for the podcast. Thank you. So, Sahil, tell us about yourself. Myself, Sahil. I am a student. I have a school life. I am an artist on Instagram. How did you start art? मैं इनसे स्कूल कर रहा था एक दिन, दो तीन साल पहले की बात है, 2019 तो वहाँ पे मैंने देखा कि बंदे मैस्कॉट लोगो बनाते हैं, गेमिंग लोगो. तो मेरे देखा, स्क्रॉल कर रहा था उनको, तो मेरे को भी चाहिए था एक, जब मैं खेलता करता था गेम. तो फिर मैंने एक बंदे से बोला कि भाई मेरा भी बना दो, तो उसने चार्जेस वगैरह बताए अपने. तो फिर मैंने उससे बनवाया, तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा उसने जो बनाया. तो फिर मैंने सोचा मैं भी बना के देखता हूँ. मैंने भी और दो तीन जगह देखा कि कैसे कैसे बनाते हैं. स्टार्टिंग में एकदम बिल्कुल नहीं आता था मेरे को. बट ये जो आर्ट स्टाइल है उसको वेक्टर स्टाइल भी कह सकते हैं ना? हाँ, वेक्टर स्टाइल है. तो फिर मैंने देखा कि कैसा मैं बनाऊंगा, मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा. तो फिर मैंने एक दो ट्यूटोरियल देखे थे, उसमें अलग अलग एप्लीकेशन थे, एक दो मेरे फोन में सपोर्ट नहीं करती थी. तो मैंने पहले फिर अपना रफली स्केच वगैरह बनाए, नोटबुक वगैरह पे कैसे बनाना है. धीरे 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 करता गया तो आदत पड़ती गई, बनता गया. तो अपने वेक्टर से अब हम देख सकते हैं कि आप अब थोड़े ये कार्टून टाइप के अभी आप बना रहे हैं, मतलब वो भी सही है वेक्टर से. वो मुझे वेक्टर से ज्यादा पसंद आया, सॉरी बट या इट इज व्हाट इट इज. तो उसको आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली? ये इंडोनेशिया वगैरह के लोग ज्यादा बनाते हैं, कार्टून वगैरह, फनी फेस, कैरी कैचर्स वगैरह. तो मेरे इंस्टा पे यही आते रहते थे, तो मेरे को ये बनाने थे, बट मेरे को स्केच नहीं आता था इतना अच्छा सा. तो मैंने बहुत जगह ढूंढा कोई स्केच आर्टिस्ट जो ऐसे बना सके. तो फिर मेरा एक दोस्त है, उसने बोला ये तो मैं भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं ड्रॉ कर दूंगा, तू ट्रेस करके अपना बना लियो. तो फिर मैंने उससे बात बात करी, उसने स्केच वगैरह दिए मेरे को बहुत सारे. धीरे 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 मैं ऐसे बनाता गया इनको. मतलब आपने ये वेक्टर इस तरह चालू किया था ड्रॉ करना? हाँ हाँ. Your tools do you use to draw? मैं फोन में करता हूँ, पेन टूल से यूज करता हूँ. फोन में विच एप्लीकेशन? इन्फिनिट डिजाइन. वेक्टर के बारे में बता देता हूँ, कैसे कैसे इंस्टा की जर्नी रहती है, कैसे आजकल बहुत सारे वेक्टर आर्टिस्ट बन रहे हैं. हाँ. देखा होगा तुमने, बट सपोर्ट ही नहीं मिलता उनको, इंस्टा ने रीच डाउन कर रखी है. और आजकल तुमने देखा होगा कि वेक्टर आर्टिस्ट बहुत बनते जा रहे हैं, मतलब हर किसी को क्रेज आ रहा है इसमें बनाने में. ऐसी अर्निंग भी बहुत सही हो जाती है बहुत लोगों की. और म्यूजिक पोस्टर वगैरह ये जब जो है आजकल इंस्टा की वजह से बहुत लग रहे हैं. जुबिन नौटियाल को देख लो, वो भी अपने म्यूजिक पोस्टर में वेक्टर वर्क ला रहे हैं, हमारे दोस्त लोग बनाते हैं उनका. तो ये बहुत आर्टिस्ट को सपोर्ट वगैरह नहीं मिल रहा है इंस्टा पर, क्योंकि इंस्टाग्राम ने रीच सबकी डाउन कर रखी है, कहीं जा ही नहीं रही, स्टोरी नहीं हो रही. मेरी खुद डाउन हो रखी है, इतनी ज्यादा जा ही नहीं रही, वायरल ही नहीं होती, बहुत स्ट्रगल है. रील्स बनाओ ना. रील्स में क्या ही बनाऊं मैं इस. हाँ, वो भी नहीं जाती, पता है, कोई कोई किसी की निकल जाती है वायरल. क्योंकि आज आर्ट कौन देखता है? कोई नहीं देखता, बस उनको फोटो देखना होता है. आजकल सब आते हैं कि भाई मेरा बना दो, बस फ्री फ्री बोल के चले जाते हैं. रील्स की भी रीच डाउन हो गई अब तो सबकी, बहुत टाइम लगता है इसमें आगे बढ़ने में. तो भाई आपने अभी आकाश की वाला ये बनाया था कुछ मास्क है, कौन सा? आदित्य जोड़ करके कोई है. हाँ हाँ हाँ, आपने कैसे बनाया? हाँ, वो नारुतो थी, आकाश की मास्क. वो उसका फोटो ही ऐसा था, उसका नारुतो की सेट था पूरा, बस उसमें मैंने आउटफिट पे टेक्सचर्स वगैरह डाले थे, बाकी तो सब उसका पहले से था. आप सब ये इंफिनिट प्रिंटर पे बनाते हो? मुझे लगा आप डेस्कटॉप पे बनाते होंगे. नहीं, ये सब इंफिनिट डिजाइन. नहीं, इंफिनिट डिजाइन बहुत सही है. फोन में सही एप्लीकेशन है. अभी इस ऐप में बहुत सारे बग्स वगैरह भी हैं, पूरा काम कभी जैसे तुमने बना दिया ना, तुम दोबारा एप्लीकेशन ओपन करते हो तो कभी कभी लेयर ही गायब हो जाती है पूरी. पूरा वर्क डिलीट हो जाता है, दोबारा करना पड़ता है. मुझे लगा आप ये डेस्कटॉप पे बना दोगे क्योंकि आर्ट उस थीम का है. नहीं, डेस्कटॉप पे मैंने ट्राई किया था, बट मेरे से डेस्कटॉप तो होता ही नहीं है, फोन पे ज्यादा बेटर है मेरा. मतलब वो पेन टेबलेट वाला ना? हमको ऐसा ही लगा कि आप फोटोशॉप आर्टिस्ट हो. अगर आप डेस्कटॉप पे करूंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि आईपैड लेने के बाद आईपैड पर ट्राई करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. मैंने अपने फ्रेंड के साथ, मतलब वो मेरे मेंटोर जैसे, उनके साथ मैंने अभी पॉडकास्ट किया था, उनके उन्होंने मेरे को यही आइडिया मिला कि मैं अभी जो आईपैड पे ड्रॉ करता हूँ, लेकिन अगर मैं मोबाइल पे बनाऊंगा तो लोग और इंस्पायर होंगे बनाने के लिए. हाँ, मोबाइल पे. यूट्यूब चैनल भी है?
मतलब आप हो कहाँ से? मैं यूपी से हूँ, मथुरा। मथुरा, बहुत सही। यूट्यूब चैनल पे क्या है कि बहुत सारी वीडियो मिल जाती है तुमको, वो करती है क्लिक बेट, एक सेकंड में एक क्लिक में बना दो, तो वो वीडियो ज्यादा होती है। और इधर हम लोग 10-10 12-12 घंटे ड्रॉ करते, कुछ नहीं होता। हाँ, जब जाके कुछ नहीं होता। तो मैंने और अब तो वेक्टर आर्टिस्ट और सबके पेट पे लात मारी है ना ये। अब ये ऐप आ गई है सारी, अब तो वेक्टर बना देगी। हाँ, टून में। हाँ, पेट पे लात मारने जैसा हो गया ये तो। हाँ, वैसा ही हो गया, बस उसमें वो बात नहीं होती, थोड़ा बहुत मैच करा देता है बस, डाल पाता है। तो भाई आपने ये एमईए बंटाई वाला कैसे बना, उसके हम बता सकते हैं कि आपने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों मैच उस तरीके से बनाया है? ये बैकग्राउंड मैंने पिंटरेस्ट पे से मैं बैकग्राउंड निकालता हूँ, जैसे जिस कलर की मेरी स्किन टोन है और आउटफिट वगैरह है उससे मैच कराने के लिए, तो मैं येलो सर्कल रिंग ऐसे कर करके सर्च करता रहता हूँ, बहुत सारे निकालता हूँ, फिर जो सही लगता है उसको ऐड कर देता हूँ उसके साथ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर आर्ट के लिए कलर सेंस होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है यार, होना चाहिए कलर ग्रेडिंग। अभी मैंने आपका ये आर्ट देखा जिसमें आपने ये, शायद ये कौन है रुको तो मुझे नाम नहीं पता, नो ऑफेंस, इट्स सौरभ जोशी, आपने कैसे बनाया ये? सौरभ जोशी और पीयूष जोशी का, ये भी ऐसे ही बनाया था, अपने फोन पे बनाया था, ये बहुत ट्रेंड वायरल थे, मतलब इनका बहुत अच्छे अच्छे ग्रो हो रहे थे ये, तो मेरे को लगा मेरे को ही पुश मिल जाएगा मैं इनकी बनाऊंगा। तो अभी मैंने आपके, हम नीचे नीचे जाते हैं तो आपके दो बेस्ट आर्ट वर्क है जिसमें ये रोबोटिक फेस वाले है, जो नेक्स्ट टर्न भाई का एक टर्मिनेटर और दूसरा शायद पेड वर्क है। तो उसको आपकी इंस्पिरेशन कैसे मिली? ये देखो मैंने इसमें मेंशन भी किया है एक बंदे को, उसका नाम है वेक्टर प्रसून करके, तो ये उसका आइडिया था, मैंने उससे बात भी करी थी कि मैं मतलब ऐसा आइडिया लेके बना सकता हूँ, उसने बोला हाँ भाई आप कर सकते हो, इजी है। मैंने उससे पूछा, उससे बात बात करी, उससे मैंने पूछा भी कैसे कैसे किया तूने, उसने बताया कि पहले आप पूरा फेस बना लेना, उसके बाद उसके ऊपर टेक्सचर ऐड करना टर्मिनेटर के, तो फिर ऐसे बनाया मैंने। मतलब मैंने भी पहले ये वेक्टर आर्ट ट्राई किया था, लेकिन उसमें हम जो कलर जो लाइट डाउन होते हैं ना, मतलब आप स्किन बना रहे हो उसमें, मेरे मैं जितना समझा उसके हिसाब से, मैंने आपका ये हनुमान जी वाला देखा आर्टवर्क, उससे मेरी समझ में इतना आया है, आप पहले लाइट पार्ट से, मतलब जो डार्क है उससे लाइट पार्ट तक आप कलर मूव करते जाओ। हाँ, पहले डार्क फिर धीरे 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 लाइट। मैंने भी एक बार वेक्टर आर्ट ट्राई किया था, लेकिन वो बहुत बड़ा फेल था। प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा वो। और आपने ये जो बनाया है, मतलब कैसे बताइए, आर्ट स्टाइल, ये सर्ज होता है वो आप थोड़ा बड़ा कर देते, उसे क्या कहते हैं? इसको कैरिकेचर ही बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं कैरिकेचर प्रॉपर। हेड बड़ा होता है, क्यूट सा, आईज बड़ी होती है, वो एनीमे भी वैसे बनाते ना, इलस्ट्रेशन एनिमे वाले, एनिमे वाले। तो भाई आप एनिमे बनाते हो? नहीं, मैंने एनिमे आज तक नहीं बनाया, एनिमे थीम का कुछ बनाया मैंने वर्क। हाँ, वो जैसे मैंने का बनाया है। हाँ, और कल जो पोस्ट किया था वो एनिमे थीम का था, आईज वगैरह हेयर्स वगैरह एनिमे के। एनिमे मैंने आज तक, एनिमे का एक लोगो बनाया था मैंने, हिसोका का, हिसोका ही शायद, हिसोका ही बहुत सही है वो, जेस्टर, जेस्टर। ये पेड वर्क था? हाँ, ये पेड वर्क था, इसके लिए पहले स्केच बनाया था फिर ये बनाया था। तो भाई आप अपने यूट्यूब चैनल में ये प्रोसेस डालो आर्ट वर्क। मेरे फोन का ही थोड़ी इश्यू है स्पेस का, एडिटिंग पे टाइम लगेगा फिर उसको। तो भाई आप डेस्कटॉप पे लेते जाओ साथ में, मैं भी वही करता हूँ। आपके पास कौन सा फोन है अभी ड्रॉ करते हो? मेरे पास रियलमी 7 प्रो। तो आप कुछ सजेशन दे दो कि अगर मुझे किसी को भी वेक्टर स्टार्ट कर रहा हो तो कहाँ से स्टार्ट करे? तो हाँ, सिर्फ पहले तो देखो तुमको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वेक्टर बनाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है लाइन आर्ट बनाने में। लाइन आर्ट ही नहीं बनती, बहुत टाइम लगता है लाइन आर्ट बनाने में बंदों को, बहुत ज्यादा। तो पहले वो अपना सही करना पड़ेगा अपने को। मतलब आप ये तो समझ सकते हैं कि वेक्टर आर्ट थोड़ा, मतलब लोग अभी भी कॉपी कर सकते हैं उसको? हाँ, कर सकते हैं आराम से। मतलब स्टार्ट वहां से करो, लेकिन अगर मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ मैं पॉडकास्ट में कि करोगे ना तो आपको लाइक ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेशन नहीं आएगा जर्नी का, सेटिस्फेक्शन नहीं आता। हाँ, यही बात है। तो भाई अभी आपने ये लियोनेल मेसी बनाया, वो आपने कैसे बनाया? लियोन मेसी मैंने उससे पहले मैंने बनाया था धोनी का। तो ये मैंने बनाया था बेसिकली कि इंस्टा ने सबकी रीच डाउन करी हुई थी। हाँ, उस टाइम पे अक्टूबर टाइम पे, तो रीच चाहिए थी मेरे को बहुत टाइम हो गया था कि बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा सपोर्ट किसी का भी, तो मेरे को रीच चाहिए थी उस समय। तो मैंने धोनी का बनाया, विराट कोहली का बनाया, तो उनसे क्या है कि हाइप हुई क्योंकि ये लोग फेमस पर्सनालिटीज हैं। तो फिर मैंने सोचा मेसी का ही बनाता हूँ, वो भी बहुत वो है। तो फिर मैंने देखा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरी बॉडी वगैरह बनाते हैं, तो मैंने सोचा फेस बनाता हूँ लोगो टाइप, जिससे किसी को चाहिए हुआ तो फेस लोगो अच्छा लगेगा। मैंने इसका बनाया, पहले बहुत टाइम लगा इसके हेयर्स वगैरह बनाने में, हेयर बियर्ड बनाने में, धीरे 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 करके स्किन पे आया। स्किन मैंने इसकी स्मूथ रखी थी, कोई कर्व्स वगैरह नहीं, प्लेन स्मूथ बनाया मैंने। मतलब वो शेडोज भी बहुत कम है। हाँ, कम डाले थे, इसलिए थोड़ा अट्रैक्टिव है। हाँ, क्लीन और अट्रैक्टिव लगता है।
तो भाई आप ऐसे बताओ कि किसी को वेक्टर बनाना हो, अभी लॉकडाउन के बाद थोड़ी टॉक्सिक भी हो गई है और ग्रो भी हो गई है, दिक्कत तो है आर्टिस्ट के लिए भी, कहीं पे भी स्कोप नहीं दिख रहा। बीच में तो आया था इंस्टाग्राम ने बहुत किया था सपोर्ट, बहुत रीच भेजी थी के लिए, अब तो सब अक्टूबर के बाद, जब अक्टूबर के टाइम पे जो इंक्टूबर होता है ना, तो भी आर्टिस्ट अचानक से बढ़ जाते हैं। रील्स और इंस्टाग्राम को ज्यादा, रील्स और उसको शॉर्ट्स को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है अभी। हाँ, वो बहुत दुख होता है। हम लोग इधर 14-14, 15-15 मिनट के ड्राइंग वीडियो बनाते हैं और व्यूज ही नहीं आते साला, कुछ नहीं आते यार व्यूज, कुछ नहीं आते। और आजकल तो कोई शेयर भी नहीं करता आर्टवर्क वगैरह, आर्टवर्क नहीं करता, वही बस देख के छोड़ देते हैं। इसीलिए यार मैं तो अभी, मेरे पॉडकास्ट के उसमें गेस्ट थे, वो वही कह रहे थे कि आप ना व्यूज और उसके पीछे मत भागो यार। हाँ, व्यूज अपना अपना आर्टवर्क करो, करते रहो। मैं भी सोचता था, पहले मैं सोचता था यार मेरे लाइक्स नहीं आ रहे, इन सब के लाइक आ रहे हैं, इसलिए मैं वगैरह शेयर नहीं कर रहे, तो फिर अब मैंने छोड़ दिया कि अपना बनाओ, अपने काम पे ध्यान दो, जो होगा आने होगा होगा। हाँ भाई, भगवान पूरा कुछ ना कुछ तो करेगा। हाँ, हार्ड वर्क करो अपना, पूरा मस्त होगा। तो भाई अभी आपने ये डीनो जेम्स बनाया था शायद से, डीनो जेम्स ना ना, वो डाडी वाला है और एक साइड शायद वेनम वाला है। ओ, फिन बैलर। हाँ, सॉरी सॉरी, मुझे डीनो जेम्स लगा था, नो ऑफेंस, फिन बैलर ये बहुत पहले बनाया था मैंने। बहुत सही है। उसका आइडिया कैसे मिला आपको? इसका आइडिया एक इंडियन आर्टिस्ट ने, उसका नाम भूल गया हूँ, वो ये पर्पल वाला क्या बोलते हैं इसको, भूल गया यार, पर्पल शेड का वर्क डालते थे, नियॉन, हाँ नियॉन टाइप का वर्क करते थे वो। तो मैंने सोचा मैं एक साइड नियॉन कर लेता हूँ, एक साइड ब्लैक कर लेता हूँ। मतलब हम देख सकते हैं ये रैप और उनके कारण अब ये नए नए जॉनरा बनते जा रहे हैं, जिसे डूडल से डूडल कैरेक्टर बन गए, वेक्टर से वेक्टर वेक्टर एनिमेशन बनते जा रहे हैं अब तो। वेक्टर एनिमेशन बहुत बन रहे हैं, और वेक्टर एनिमेशन में मेन चीज ये है कि अब लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट उसको यूज करने लगे। ऋत्विक के गाने में है, हाँ ऋत्विक के गाने में बहुत आता है, और एक आजकल कर्मा वगैरह क्या बहुत है, दिल से शॉर्ट कर करके जो रैपर है, बहुत रैपर आजकल यूज कर रहे हैं। तो हम डेस्कटॉप पे, आप डेस्कटॉप पे आर्ट बनाओ या मोबाइल पे बनाओ, उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है मोबाइल पे, आप शेयर करना चाहोगे? देखो मोबाइल पे एक तो तुम्हारी आई साइड का बहुत इशू रहेगा, बहुत ज्यादा, बहुत पेन वगैरह करेंगी, क्योंकि हम कम से कम 4-5 घंटे लगातार फोन पे बैठ के बनाएंगे, एक वर्क को अच्छा वर्क करना है तो 4 घंटे तो लगेंगे आराम से, आंखों पे प्रेशर पड़ेगा। और एक क्या है, फोन में हर एप्लीकेशन एकदम परफेक्ट नहीं है वेक्टर के लिए, बग्स होते हैं हर एप्लीकेशन में, ज्यादा लेयर्स पे वर्क करना है, अगर टेक्सचर ज्यादा डाल रहे हो तो क्रैश हो जाएगी, क्रैश हो जाएगा फोन। और डेस्कटॉप पे क्या है, तुम आराम से अपना पैड लेके स्टाइलस से उस पे ड्रॉ करो, उसमें टूल्स अच्छे अच्छे होते हैं डेस्कटॉप पे, बहुत अच्छे टूल होते हैं, हेयर के होते हैं, इवन अपन यहाँ पे शर्ट वगैरह पे अगर हम देते हैं डिटेल्स देते हैं, मान लो अच्छी सी करनी है, शाइनिंग वगैरह देनी है, तो हम फोन पे इतनी अच्छी नहीं दे पाएंगे। और डेस्कटॉप वगैरह पे क्या है, उसमें टूल्स होते हैं उन चीज के, ब्रश होते हैं, उससे बहुत ईजी पड़ता है, बहुत हेल्पफुल होते हैं वो, फायदा डेस्कटॉप वगैरह पे ज्यादा रहता है, फोटोशॉप वगैरह पे स्मजिंग हो जाती है, ब्लेंड कर सकते हैं इजीली। ब्लेंडिंग का मोबाइल में बहुत प्रॉब्लम ये है कि आपको ना ब्लेंड करने के लिए वो ब्लर ब्रश यूज करना पड़ता है। नहीं, मोबाइल पे तो होता ही नहीं है ब्लर ब्रश, मोबाइल पे हमें ओपेसिटी कम करके करनी पड़ती है। मतलब मेरे फोन में, मेरे एप्लीकेशन में नहीं है ब्रश, उसमें होगा IPIS में, इंफिनाइट में नहीं है, तो उसमें तो हो जाएगा, बट पीसी में बहुत इजी रहता है। हम कह सकते हैं वो लैंडस्केप के लिए है, लेकिन आपको वेक्टर करना हो ना, तो आप IPIS पे शिफ्ट हो जाओ। हाँ, मैं पहले IPIS भी करता था, फिर मैंने इंफिनाइट पे शिफ्ट हुआ, ग्रेडियंट की प्रोक्रिएट थोड़ा अलग है इससे, प्रोक्रिएट में बहुत सही चीजें, प्रोक्रिएट में ब्लेंडिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, फिलिंग वगैरह अच्छी हो जाती है उसमें, लाइंस के टेक्सचर अच्छे निकल जाते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं वेक्टर में तो अब क्या होता है, हम जो लाइट जहाँ पे पड़ती है ना, मतलब हम कह सकते हैं, मैंने ट्राई किया था डेस्कटॉप पे वेक्टर, तो जो गाल पे जो लाइट पड़ती है ना वो पूरा दिख जाता है। हाँ, इसलिए हम कह सकते हैं वेक्टर में हम एक एक ऐसे ले डाउन करते हैं कलर, लेयर बाय लेयर, वो इजी पड़ता है। हाँ, वो इजी पड़ेगा क्योंकि लेयर्स पे काम करना आसान होता है। लेकिन मैंने वेक्टर जब ट्राई किया था, 2-3 महीना ट्राई किया, बहुत बड़ा फेल था, बहुत हार्ड है ये। हाँ, हार्ड तो है, टाइम लगता है। तो भाई आपको ये कार्टून टाइप के बना जो, मतलब कार्टून में से, नो ऑफेंस, लेकिन ये कार्टून वेक्टर जो जोनरा है, उससे कमीशन कैसे मिलते हैं, कोई टिप्स दोगे कोई भी नया वेक्टर आर्टिस्ट उसके लिए? जैसे मैं मान लो कोई नया वेक्टर आर्टिस्ट ज्वाइन कर रहा है, उसको भी कार्टून वेक्टर बनाने के लिए उसको आनी चाहिए स्केचिंग, फेस कैसे मैच कराना है। अगर मैं कोई तुमको ऑर्डर दे रहा है कि भाई मेरे लिए कमीशन वर्क कर दो, ऐसे ऐसे मेरे को
क्यूट फेस चाहिए, और तुमने बोल दिया कि हाँ मैं बना दूंगा, बट तुम्हारा स्केच ही नहीं बन रहा ढंग से, उस बंदे का फेस मैच नहीं हो रहा, तो बहुत मुश्किल है कि तुम्हारा बन पाए। और फिर उसके बाद तुम्हें स्किन टेक्सचर्स आने चाहिए कैसे, मतलब इसमें रियलिस्टिक नहीं डालना होता, क्योंकि ये कैरिकेचर है, क्यूट है, उसमें सिंपल शेड्स देनी होती है, तीन कलर की शेड देता हूँ मैं तो हमेशा से, और लाइट डार्क और लाइट डार्क बेस बस। अब जो बेस कलर बोल रहे हो ज्यादातर कह सकते हैं नाक और राइट साइड पे ज्यादा पड़ता है वो? नहीं नहीं, बेस कलर पूरे पे रहेगा, डार्क डार्क पड़ता है उस पे लेफ्ट राइट, और लाइट वाला सिर्फ एजेस पे करता हूँ, मतलब वो दो आईब्रोज के बीच में उधर होता है वो। हाँ, ये कलर सेंस होनी बहुत जरूरी है अगर आप वेक्टर आर्ट कर रहे हो तो। हाँ, ये कलर सेंस होना चाहिए, वरना तो कुछ लोग मैंने देखा है क्या करते हैं, सिर्फ स्किन कलर कर देते हैं, स्केच बनाते हैं और स्किन कलर रख के छोड़ देते हैं। हाँ, वो सिंपल सा 2D लगता है वो, बहुत बेकार लगता है सही में, नो ऑफेंस किसी को, लेकिन ये मत करो वरना वो जॉनर ही बदल जाएगा पूरा, वेक्टर आर्ट है ही यही। कलर आप ले डाउन करते जाओ ले बाय लेयर बाय लेयर बाय। तो मैंने आपको कभी डिस्कवर किया था तो मैंने आपका ये वाला आर्ट वर्क देखा था, अकाशकी वाला। हाँ, चाहिए रेड और वो वाला, ये भी मेरा कमीशन वर्क था, ये वैलोरेंट थीम है शायद से। हाँ, ये वैलोरेंट का है, पीछे लोगो उसका ही लगा। इसका आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इसका कुछ नहीं, इसका तो मैंने मतलब ये जो मेरा क्लाइंट था, क्लाइंट मतलब क्या था, इसका दो तीन बंदे थे हम, तो हमने डिसाइड किया था कैसे कैसे क्या करना है, उसके बाद हमने बैकग्राउंड वर्क किया, बैकग्राउंड पर कैसे कब डालना है, तो ऐसे कर कर आइडिया अकेले मेरे का नहीं था, मतलब हम कह सकते हैं कि ये अगर आप वेक्टर आर्ट करते हो तो कमीशन मिलना बहुत हार्ड चीज नहीं है, जो मेरी आर्ट स्टाइल के हिसाब से बहुत हार्ड चीज है। वेक्टर आर्ट में कमीशन मिलना हार्ड नहीं है, बट हाँ, काम अच्छा होना चाहिए, क्लाइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, क्लाइंट कैसे आएगा तुम्हारे पास, वो हमेशा पूछता है कि अपना वर्क दिखाओ, तो अपना वर्क ऐसा रखो कि वो उसका फर्स्ट इंप्रेशन में बोल दे कि हाँ भाई मेरे को तुम्हारे साथ काम करना है। तो आप 3 टिप्स दे दो वेक्टर आर्टिस्ट के लिए जो नए आ रहे हैं, मतलब कैसे कहूँ जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं IBIS पेंट में मेनली, उनके लिए 3 टिप्स तो ये रहेंगी। पहले तो तुम डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हो कि नहीं यार मेरे से नहीं बन रहा, मैं नहीं बना पाऊंगा, तो वो तो नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस तो करती रहनी चाहिए, धीरे धीरे आएगा। मेरे को भी ये थोड़ी है कि मैंने एक ही बार में कर लिया, देखो मैं 2-3 साल हो गए मेरे को करते करते, जब जाके ऐसा वर्क आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और कमीशन वर्क के पीछे मत भागो कि भाई ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मेरे को पैसे चाहिए पैसे चाहिए, तो ऐसे नहीं आएंगे। अपने पेज पे वर्क करो, अपने पेज को एकदम वो मनाओ, वेक्टर स्टाइल है वो सब कुछ आपके इंप्रेशन के ऊपर है, इंप्रेशन होना चाहिए। पेज तुम्हारा अच्छा है ना तो सामने वाला आएगा, तुम्हारा वर्क देखेगा, फिर तुमसे बात करेगा, फिर कमीशन वर्क करेगा। अब ऐसे नहीं हो कि तुम वेक्टर आर्टिस्ट हो तो तुमको सीधे वर्क मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि वेक्टर आर्ट के लिए पेज होना बहुत जरूरी, मतलब परफेक्ट पेज, परफेक्ट। हाँ, वर्क अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, बैकग्राउंड सेंस होना चाहिए, कैसे क्या करना है, यही बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पे काम करना बहुत मुश्किल है वेक्टर आर्ट के लिए। हाँ, मुश्किल। और दूसरी टिप आप देना चाहोगे कोई आर्टिस्ट को जो स्टार्ट करना चाह रहा है इंस्टा पे वेक्टर आर्ट, और उसे वो लोग डीमोटिवेट होके लाइक नहीं आते करके छोड़ देते हैं वेक्टर आर्ट? हाँ, लाइक देखो मेरे बीच में मेरे लाइक नहीं आने लगे थे, मैं भी सोच रहा था कि यार लाइक नहीं आ रहे, अब क्या ही होगा। तो ये इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिथम है कि वो रीच लाता है वापस कर देता है, लाता है वापस डाउन कर देता है, तो ऐसा नहीं है, ये एक साइकिल की तरह है। हाँ, साइकिल की तरह है, हर दो मतलब हर 2 महीने ये साइकिल रिपीट होती है। हाँ, होती रहती है। और तुम अगर तुम सोच रहे हो कि अरे मैं सेलिब्रिटी का बनाऊंगा वो शेयर करेगा, तो ऐसे सेलिब्रिटीज का मत बनाओ जो ज्यादा फेमस है। अब लाइक तुम शाहरुख खान का बनाने लग गए, अक्षय कुमार का बनाने लग गए, ये लोग शेयर कर देंगे, वो तो एक्टिव ही नहीं रहते इंस्टा पर। छोटे से क्रिएटर को लेके चला करो कि वो देखे, वो शेयर करे, उससे तुम्हारा इम्प्रेशन बढ़े, लोग तुम्हारे आईडी पे आए। और वैसे भी सेलिब्रिटी मत ड्रो करो जो कह सकते हैं कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो। वैसे भी नहीं करने। हाँ, मैं मेरा क्या है, मैं वर्क कम कर दिया है मैंने भी, क्योंकि मेरे स्कूल वगैरह आने लगे हैं, तो फ्री टाइम में जब भी तुम कुछ गेम वगैरह करते हो तो मेरा मैं तो क्या स्टैंडर्ड में हो? मैं 11th में आया हूँ। मैं 9th में हूँ। अच्छा, तो फ्री टाइम में बैठे बैठे मैं कर लेता हूँ स्केचिंग करके, फिर उस पर वर्क करने लगता हूँ। अभी मैं और कुछ जैसे मैंने AP का बनाया था, ऐसे कुछ म्यूजिक आर्टिस्ट का सोच रहा हूँ, लाइक हनी सिंह का, तो वो करूँगा अभी मैं। हाँ, AP जिलों ने, मुझे लगा कोई ब्लैक गाय शायद।
कोई ब्लैक रैपर लगा मुझे, ये ड्रेक लगा पहले तो इसमें मैंने स्किन टोन ऐसी रखी थी क्योंकि एपी का फेस कलर ब्राइट नहीं है, डार्क ही है। अब तो ये हमारा ट्रेंड होगा ना, चाहे कोई इंडियन हो चाहे डार्क, थोड़ा व्हाइट स्किन भी फिर भी वो खुद को ब्राउन तरह के आर्ट वर्क में डालता है। ब्राउन कर दो कौन, हाँ ब्राउन, अब ये शेड चल रही है ना ब्राउन, वो बहुत सही हो रहा है, चेंज आया है अभी, चेंज आया। वरना तो पहले काले सिंगर्स थे वो भी कह रहे कि हमको व्हाइट करो, व्हाइट गोरा करो, हाँ गोरा करो, यही तो है। ये चेंज आया बहुत सही है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप वेक्टर बना रहे हो तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कौन से पार्ट पे आती है? वेक्टर बनाने सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है स्किन शेडिंग का, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है। ऐसा तो नहीं कि हम करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि हर बार हम एक ही स्किन ऐड करते रहे यार किसी पे, जैसे इस वर्क पे मैंने प्लेन डाली है तो उस पर भी सेम ऐसी कॉपी कर दूं तो फेस ही मैच नहीं करेगा, उस पर बहुत डिफिकल्टी आती है, शेडोज देखनी पड़ती है कहाँ पे कैसी है। फिर उसके बाद आता है ग्रेडियंट यूज करना, हाँ भाई वो तो बहुत, इसीलिए मैंने पूरा कर लिया लेकिन जो ग्रेडियंट वाला आया ना वो मैंने नहीं कर पाया तो पूरा आर्टवर्क खराब हो जाता है। हाँ आर्टवर्क पूरा गंदा लगने लगता है, चौपी चौपी का बेकार। तो ग्रेडियंट स्किन के बाद ग्रेडियंट पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये आपने शायद कैरी एक बार बनाया है, कौन है ये आरआईपी वाला? आरआईपी ना ना, आपने कैरी बनाया कभी? कैरी में डी, हाँ हाँ बनाया मैंने, सबसे नीचे जाओ, बहुत पहले बनाया था। हाँ 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 टिकटॉकर से यूट्यूब टाइम पे, हाँ हाँ जब बनाया था मैंने ये तभी आप ये स्टार्ट किया था शायद से, हाँ जब मैंने स्टार्ट किया हुआ था। 200 रुपए ये मैंने, निखिल एक आर्टिस्ट है उनका आइडिया था, उससे मैंने बनाया था। ये भी एक ऑर्डर है शायद, ऑर्डर है ये, इसमें आपने लिखा है ऑर्डर है, पेड वर्क है। नहीं 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 ये ऑर्डर नहीं है, मैंने लिखा था ये ऑर्डर, इसको मैंने बूस्ट भी किया था पोस्ट को, वो ज्यादा काम नहीं आएगा। हाँ देखो मैंने ये बनाया था ब्लू वाला, देखो कैरी के बगल वाला, ये बनाया था आईडिया ट्यूटोरियल से वाला। हाँ ये भी सही है, 3D टाइप का लग रहा है ये। हाँ हाँ बाकी फिर मैंने सारे यहाँ तक ब्लू तक मैंने इन्फिनिट डिजाइन से बनाए, उससे बनाए आईबीआई से, फिर ऊपर सारे इन्फिनिट बनाए। मतलब हम कह सकते हैं आपका वेक्टर आर्ट सबसे अलग इसलिए क्योंकि आपका वो एलिमेंट ज्यादा है, जैसे कि आप कोई गेमर हाँ। बना रहे हो जो हाँ। फोन लेके गेम खेल रहा है हाँ। उसके में आप थंडर लगा देते हो, फ्लेम्स निकल रही है, वो अट्रैक्टिव लगता है। और आपने शायद एक बार रेनबो बनाया है, रैम्बो बनाया एक बार, रैम्बो नाम क्या है वो बाजी है वो गेम खेल रहा है, रैम्बो लिखा हुआ है, रोस्टिंग गुरु। अच्छा वो पाजी जो गेम खेल रहा है वो कमीशन बचता मेरा, आर्चीव करना पड़ेगा इसको। नहीं नहीं बहुत सही है। अब टिप्स दे दो, कोई भी अभी वेक्टर आर्टिस्ट है तो वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो लोग बैकग्राउंड ना एकदम वाइट रख देते हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। हाँ बैकग्राउंड पे वर्क नहीं करते ज्यादातर लोग, और बहुत लोग स्किन पे वर्क नहीं करते, उनका बॉडी लाइन आर्ट वगैरह सब अच्छा होता है बट स्किन पे ध्यान नहीं दे पाते वो, ये तो बहुत गलती होती है लोगों की। लेकिन ये कह सकते हो अगर आप कोई कमीशन आया कोई पीसफुल सिंगर का है और उसमें आप एकदम ये फ्लेम्स और वो सब रख दोगे वो गाली देगा ना। हाँ गाली देगा वो तो, उसको तो म्यूजिक का चाहिए प्रॉपर। तो मैंने ये अभी 3 बंदों से बात की है जो ऐसे कैरेक्टर्स को अपनी स्टाइल में बनाते हैं, मैंने एक इंडियन डूडलर करके आर्टिस्ट है वो रैपर्स बनाते हैं, उन्होंने एमसी स्टैंड के साथ काम कर रहा है, सबके साथ किया है। अच्छा तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि तू भी कभी कोई भी जॉनर का कैरेक्टर बना तो उसको तू अब उसकी वाइब चेक कर। हाँ वाइब देखनी पड़ती है क्या है वो गेमर है तो गेमर टाइप का, अगर तू कोई सिंगर बना रहा है वो कहते थे कह रहे हैं अगर तू कोई सिंगर बना रहा है अगर वो सैड सॉन्ग बना रहा है और तू इसको ऐसे एनर्जेटिंग है वो गाली दे जाएगा ना, बहुत सही बोला उन्होंने, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन, गेटिंग द कंपोजिशन राइट। हाँ हाँ कि बैकग्राउंड और फॉर और जो मेन कैरेक्टर है वो मैच होना चाहिए। हाँ वो मैच होना चाहिए जब भी बात बनेगी। वो सबसे बड़ी आपने किया है ट्रिगर्ड इंसान वाले में, एक हाँ, हाँ, नॉर्मल रखा है, नॉर्मल प्योर प्लेन प्लेन आर्ट वर्क है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं किया। नोटिस किया है? नहीं यार उसने नोटिस नहीं किया। हाँ वो छोटे आर्टिस्ट को कहाँ नोटिस करते है कोई। हाँ उनके फैन पेज ने रिपोस्ट किया है तो उसको शेयर कर देगा वो, बट हमारी तक करी
नो ऑफेंस टू एनी यूट्यूबर, लेकिन ये जो है वो बता रहे हैं हम लोग। हाँ, वो अपने फैन पेजेस का वर्क, जैसे हमने वर्क किया है और उनके फैन पेज ने रिपोस्ट कर दिया, तो उसको देख के वो अपनी स्टोरी पे लगा देंगे, हमारा नहीं लगाएंगे। उनकी भी गलती नहीं है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी शायद से। हाँ, उनको नॉलेज नहीं रहती, वो ध्यान नहीं देते, इतना बिजी रहते हैं। नो ऑफेंस टू एनी यूट्यूबर, नॉट ऑफेंस टू एनीबॉडी, जस्ट इट इज व्हाट इट इज। तो आपने एमबीए बंटा ही बनाया था, उसका बैकग्राउंड बहुत सही है। हाँ, और रिंग, दूसरा येलो रिंग, ये बैकग्राउंड के कारण ही आपका आर्ट जैसे कहते हैं ना अच्छा लगता है। ये आपने मनिंदर मनी बनाया है, मनिंदर मनी, हाँ ये तो रिपोस्ट भी किया था इसमें, बहुत सही। तो वेक्टर पे हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा कमीशन आजकल लोगों को आते हैं वो गेमर और ये कपल वाले जो होते हैं उनको आता है। हाँ, गेमर और कपल वालों के ज्यादा आते हैं, गेमर के बहुत आते हैं। और गेमर होते हैं ना उनको भी सेंस है कि हाँ ये भाई ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ये कर दो, लेकिन जो कपल होते हैं ना उनका बनाने का बहुत ईजी है, स्केच बना दो, बता दो कि ये बन गया तुम्हारा। हाँ, बन गया, वो पैसे भी दे देंगे। हाँ, और सबसे बड़ी चीज, वेक्टर आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट जो कमीशन लेना चाहते हैं, फर्स्ट चीज पूरा आर्ट वर्क कभी मत दिखाओ अगर आप डिजिटल आर्टिस्ट हो तो। मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, पहले हाफ पेमेंट लेता हूँ और फिर वर्क करता हूँ और उनको पूरा वाटर मार्क के साथ देता हूँ, मतलब दिखता नहीं है ढंग से क्या किया है, फिर नेक्स्ट पेमेंट हो बाद में। हाँ, तुम किस पे, मतलब किस पे वर्क करते हो, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे नहीं, मोबाइल, आईपैड और मोबाइल दोनों में। अच्छा अच्छा, सही है। डेस्कटॉप पे ज्यादातर एडिटिंग का काम करता हूँ यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा, मेरी चैनल है ना उसका एडिटिंग सब यूट्यूब पे होता है, वो गॉक्सार्ट स्टाइल की एडिटिंग है, कलर ग्रेडिंग और वो सब। ओके ओके ओके, मतलब कहते हैं कि ज्यादातर सिनेमैटिक वर्क करने की ट्राई करता हूँ। अच्छा, सिनेमैटिक। सो दिस वाज आवर पॉडकास्ट विद साहिल इलस्ट्रेट्स, थैंक यू भाई फॉर कमिंग, इट वाज गुड टॉक विद यू, इट विल हेल्प मेनी आर्टिस्ट श्योरली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।